बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलीहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से, मेरी इस फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बस आप लोगों से एक मैंने चीज़ शेयर करना भूल गई थी, ये शेयर कर रही हूँ। तुर्की में भी रमज़ान में सहरी के टाइम उठाने के लिए ये ढोल वाला का कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशन है। और ये मुझे नहीं पता कि ट्रेडिशन कहाँ से चला, पर हम लोगों के लिए मुझे ये लगता था सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि सहरी के टाइम उठाने के लिए एक ढोल वाले का कॉन्सेप्ट है। तुर्की में भी, इस्तांबुल में भी आजकल के टाइम पर आपको सहरी के टाइम ढोल की आवाज़ आएगी। मेरी तरफ ये है कि चांद रात का टाइम है और मैं इस टाइम अपनी सेवियां बना रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं खीर बनाई थी मैंने मीठे में, बट सेवियों का मीठा मस्ट होता है ईद की सुबह, तो मैं वो बना रही हूँ। इसमें मैंने कलर्ड सेवियाँ भी ऐड की हुई हैं। और बस ईद की सुबह की तैयारी हो रही थी, बच्चों के कपड़े से करने थे और चीज़ें मैनेज हो रही थी, और करते करते पता नहीं चला कि कितना लेट हो गया। मेरी कुछ देर में मेरी तरफ फजर की अजान होने वाली है और मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी होकर आप लोगों से व्यू शेयर कर रही हूँ। हमारी तरफ सुबह सुबह धुंध है और बड़ा खूबसूरत एक धुंध का व्यू आप लोगों से अपनी बैल्कनी से शेयर कर रही हूँ। परदेश की ईदें बड़ी डिफरेंट सी होती हैं। परदेश जितना भी सुख हो, जितना भी आराम हो, आप अपनी फैमिली और अपनी जो कंट्री है उसके आराम और उसकी यादों और उसके कंफर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यस, हम हर दफ़ा हर साल की तरह परदेश की ईद बड़ी डिफरेंट किस्म के एक इमोशंस के साथ होती है। आप में ज़ुबान पर शुक्र भी होता है दैट आपको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे हालात में और इतनी अच्छी जगह पे रखा है। बट यस, पाकिस्तान की बहुत याद आती है। पाकिस्तान जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, जिस तरह के भी हालात हो, पाकिस्तान की जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बस मेरी तरफ ये है कि मैं अपना ईद का सूट दिखा रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था व्यूअर्स, ये वाकई 8 साल पुराना सूट है। मैं जब इस्तांबुल शिफ्ट हो रही थी तो हम लोगों के फैमिली फ्रेंड्स हैं लाहौर में, उन्होंने एक गिफ्ट दिया था। एक फैमिली गेट टुगेदर थी, वहाँ पे गिफ्ट दिया गया था। तो ये आगा नूर का सूट है, काफ़ी पुराना है, फिर बहुत बेहतर हालत में है। मैंने सोचा मैं इसको इस ईद पर पहनूंगी, मैंने इसको रेडी कर लिया है। दूसरा, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताती रहती हूँ, मैंने और हस्बैंड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप छोटा सा बनाया हुआ है इस्तांबुल में, जो पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, हम लोग उनको यकते हेल्प आउट करते हैं। और 2-2.5 साल से इस तरह प्रैक्टिस है कि जो भी इस तरह इवेंट आता है ईद का या जो भी छुट्टियाँ आती है, तो हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर प्लान कर लेते हैं। इस साल छोटी ईद पर, ये इस ईद उल फितर पे मैंने कुछ प्लान नहीं किया। दिल कर रहा था घर में रहूं, फैमिली के साथ वक्त गुजरे। होपफुली इंशाल्लाह ताला बड़ी ईद पे कुछ करेंगे, मे बी समथिंग बारबेक्यू हो जाए, फैमिली गेट टुगेदर। तो इस साल मैंने कुछ ऐसे क्लिप्स मेरे पास शेयर करने को नहीं है, मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगी। बस सिर्फ ईद के पहले दिन हम लोग बच्चों को कहीं आउटिंग पर ले जाएंगे और वो एक टाइम अच्छा गुजर जाएगा। बाकी अदरवाइज़ मेरा प्लान है कि मैं घर पे रहूँगी, फैमिली के साथ वक्त गुजरेगा। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है, हर साल एक अच्छा टाइम गुजर जाता है, बट सम टाइम दिल करता है कि आप घर पे रहें और बस फैमिली के साथ वक्त गुजरे। तो इस दफ़ा प्रायोरिटी फैमिली है, बस फैमिली, हस्बैंड, बच्चों के साथ वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली बड़ी ईद पर इस तरह का कुछ इवेंट हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर करूँगी, डेफिनेटली। एक्चुअली मैं अपनी जिस तरह बार बार वीडियोस पे कहती रहती हूँ, हम लोग बातों से तो कुछ चीज़ों को, अपने इमोशंस एक्सप्लेन कर देते हैं। एक छोटी सी एक एफर्ट है, हम लोग अपनी तरह से अपनी कोशिश करके जिस तरह भी एक कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर ईद पे इस दफ़ा कोई नया सूट ना पहना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लोगों से मिले जुले नहीं, खुशियाँ नहीं मनाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ मैटर ये करती है कि हम फ़लस्तीन और इस टाइम जो गाज़ा में हो रहा है, हम उसको किस हद तक सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ये छोटी छोटी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जिस तरह मैंने कहा, हर एक स्टेप हमारा रिकॉर्ड हो रहा है फॉर फ्यूचर। और बस दुआएँ हैं फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह ताला हर तरफ खैरियत रखे मुसलमानों के लिए।
और बस मेरी तरफ ये है कि सुबह सुबह हस्बैंड और बड़ा बेटा ईद की नमाज़ पढ़ के आए, मीठा खाने के बाद बड़े बेटे को ईदी दे रहे हैं। बड़े बेटे को 100 टर्किश लीरा ईदी थी और जो छोटा बेटा है फातेह उसकी पहली ईद है, पहली ईदी है, मतलब सॉरी पहली ईद नहीं, पहली ईदी है, वो 50 टर्किश लीरा है। तो साथ में चॉकलेट्स हैं, टर्की में यहाँ पे चॉकलेट्स का बहुत कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कहते हैं आपको डिफरेंट वैरायटी की चॉकलेट्स मिलेंगी। मैं इस तरफ किचन आ गई थी और अपनी तरफ मैं खाना तैयार कर रही थी और हम लोगों ने कहीं बाहर जाना था। मैं चावल तैयार कर रही थी, चना और मेवा पुलाव बनाया था और साथ में मैंने ये चिकन लेग पीस मैंने ओवन में बेक कर लिए थे। मैंने चावल चिकन साथ बनाना था समथिंग पुलाव या बिरयानी, बट मेरे पास इतना बड़ा पॉट नहीं था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकूं, तो फिर मैंने चिकन और चावल सेपरेट कर लिए थे और ये मेरे मेरा चिकन रेडी है। बस हम बाहर निकले थे, कुछ ईद के दिन पहले दिन कुछ गेट टुगेदर थी, कुछ फैमिली टाइम इंजॉय करना था और लास्ट मैंने अपनी जो एक वीडियो आप लोग से कुछ देर पहले शेयर की, मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस में कितने लोगों ने देखी, उसमें कुछ प्रॉब्लम कॉपीराइट का आ गया था, आई डोंट नो, कुछ क्लिप्स यूट्यूब की तरफ से कुछ इंटीमेशन थी कि वो क्लिप्स यूज़ हैं या कहीं और के हैं, एनीवेज स्ट्राइक आ गया था कॉपीराइट, तो मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो बस मैं बाहर की तरफ निकल रही थी और ये एक आप लोग गूगल मैप पे टर्की रहने वाले या इस्तांबुल में रहने वाले गूगल मैप पे अगर आप लोग सर्च करें चिलिंगोस नेचर पार्क, चिलिंगोस नेचर पार्क, मैं स्क्रीन पर भी नीचे इसका नाम मेंशन कर रही हूँ, चिलिंगोस नेचर पार्क आप गूगल मैप पे लिखें तो आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। बड़ा खूबसूरत रास्ता है, बहुत खूबसूरत व्यू है, मैंने लास्ट वीडियो में उसके सारे क्लिप्स डाले थे बट आई हैव नो आइडिया कि किस एंगल से यूट्यूब ने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है मेरी वीडियो को। मैंने अपनी वीडियो जो प्रीवियस ईद की डाली थी वो डिलीट कर दी, मैं फ्रेश से ईद अपडेट वीडियो डाल रही हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं या हम जो यूट्यूबर्स होते हैं, हम चीज़ों को इतनी ज़्यादा नर्व्स पे ले लेते हैं, इतनी ईद की व्लॉग की इतनी वीडियोज़ आती हैं, इतने की जाती हैं, अगर एक यूट्यूबर की वीडियो फॉर एग्जांपल मेरी नहीं आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एनीवेज अब एक प्रोफेशन बन चुका है, ये काम बन चुका है, तो थोड़ा सा उसको उसके हिसाब किताब से करना पड़ता है। तो बस मेरी लाइफ अपडेट इस टाइम ये है कि 2024 की ये पहली ईद है, ईद उल फितर, मैं इस्तांबुल से बात कर रही हूँ और जो जो लोग मेरी ऑडियंस पहली दफ़ा मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर वेलकम। और बस अपनी फैमिली के साथ ये आउटिंग का है पहला दिन हम लोग बाहर गुजारेंगे और ये बस कुछ रास्ते के मैं क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और बड़ा खूबसूरत है। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल में सेटल हैं तो चिलिंगोस ये जो नेचर पार्क में आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ ज़रूर विज़िट करें, इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है। छोटी सी बस टिप ये शेयर ये करूँगी कि अपने साथ एक स्पेयर बैग और कपड़ों का सेट ज़रूर रखें जो जो फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, बिकॉज बच्चे रेत में और पानी में इतना खेलते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, कि वो फिर दोबारा कार में बैठने वाली सिचुएशन नहीं रहती, कार बहुत गंदी हो जाएगी। तो अपने साथ एक स्पेयर कपड़ों का सेट रखें सो दैट आप चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर सकें। मैं बस ये है कि रास्ते थे मैं जा रहे थे, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रास्ते में एक हेडेक हो रहा था बिकॉज़ मेरी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, तो बस ये थोड़ा सा था, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, हम लोग अक्सर चीज़ों को आगे पीछे थोड़ा सा कहते हैं ना टेक फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं हम ख़वातीन, बाकी सारी प्रिपरेशन में तैयारी में ख़ुद पर ध्यान नहीं देते। बाकी जहाँ तक ईद की प्रिपरेशन और तैयारी की बात है, मेहंदी मैंने इस दफ़ा सोचा था मैं लगाऊंगी, मेरे पास पड़ी हुई भी थी, बट मैं अपनी फ्रेंड से यही बात कर रही थी कि माशाल्लाह मेरे तीन बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है, तो एक वो एक ना एक मोटिवेशन नहीं आती, हस्बैंड की तरफ से भी इतनी ख़ास कोई नहीं होता कि चूड़ियाँ मेहंदी होनी चाहिए या मस्ट है, बेटों को मेरे वैसी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो बस ये इस तरह सिंपल सी ईद थी, आई थिंक सो एज के साथ ये ईद डिफरेंट होती जाती है, मुझे तो यही लगता है। जिस तरह अगर मैं ऑनेस्टली शेयर करूँ तो मेरी तरफ ईद की कोई टेबल मैं नहीं सजाती या इस तरह कहें कि कोई अहतमाम हो,
किचन में खाना होता है, जिसने लेना है खाना किचन से ले ले, इतनी डिटेलिंग चीज़ों की नहीं होती। मे भी शायद बच्चे छोटे हैं, फातिह बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की कम हो, तो मे भी शायद मैं उस एहतमाम से ईद सेलिब्रेट करूँ जिस तरह हम ईद व्लॉग्स में देखते हैं। बट यस, मेरी सिंपल सी ईद होती है, मैं चीज़ों को सिंपल ही रखती हूँ और सिंपल रखना ही मुझे अच्छा लगता है। फॉर्मेलिटी जितनी कम से कम हो, जितनी सिंपलिसिटी हो, लाइफ उतनी आसान लगती है। तो ये बस कुछ मैं क्लिप्स शेयर कर रही हूँ बच्चों के। फातिह पानी में खेल रहा है और बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है दोनों बच्चे। ये दो अम्माद और फातिह यहाँ पानी में बिजी थे और जो बड़ा बेटा उमर है वो अपना कोई क्या कहते हैं रेत के साथ कोई टावर या कोई कैसल बना रहा था, वो वहाँ बिजी था। तो ये बच्चों की एक्टिविटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अच्छा टाइम गुजरा। हवा में खुनकी थी, पानी भी ठंडा था बट धूप उसको कंपनसेट कर रही थी। तो ये बस ईद का पहला दिन था, बिज़ी रहा, अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा खुश ये थी कि जो मेरा दूसरा बेटा है अम्माद, जो स्पीच डिले पर है, उसने कोऑपरेट किया, तंग नहीं किया, उसने भी इंजॉय किया। और ये मैं खूबसूरत समंदर का आप लोगों को आवाज़ सुनवाती हूँ। तो बस ये हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। फातिह बिल्कुल थक चुका था, अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ, मुझे लग रहा है फातिह के हल्के काफ़ी हुए हुए हैं, या मुझे लग रहा है। एनीवेज़ एक्चुअली बच्चों का ये टर्की में होता है कि सर्दियों में हम बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं निकल सकते, तो जब घर में रहते हैं इस्तांबुल में मोस्टली जो सीज़न है वो सर्दियों का रहता है, तो जब बच्चे बाहर नहीं निकलते, प्रॉपर धूप या विटामिन डी नहीं मिलती, तो थोड़ा सा बच्चों के चेहरों को देख के लगता है कि उसका प्रॉपर फ्रेश चेहरे नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस समर वेकेशन के लिए मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है कि थोड़ा सा बच्चों को प्रॉपर टाइम दूंगी एंड थोड़ा सा आउटिंग के लिए ज़रूर लेके जाऊंगी, बिकॉज मैं अपने ओन पर रास्तों को, चीज़ों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जानती हूँ। अगर हस्बैंड बिज़ी भी हुए तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि बच्चों को टाइम ज़रूर देना है। मैंने जो गीले कपड़े अपने साथ में बच्चों के लेकर आई थी बीच से, वो रेत में भरे हुए थे, और ये मैंने बाहर बेल्कनी पे स्टूल पे रख दिए थे ताकि वो खुश्क हो जाए, बिकॉज गीले कपड़ों से रेत नहीं उतर रही थी। तो धूप पड़ी, थोड़ा सा बाहर कपड़े छोड़े हुए थे, कपड़े खुश्क हुए, तो ये इतनी ज़्यादा रेत निकली है इसमें से। तो हालांकि मैंने अंदर कारपेट पे भी वैक्यूम किया है, पर ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इस ट्रिप का कि काम काफ़ी ज़्यादा मुझे करना पड़ा। मेरा पहला ट्रिप था बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हम लोगों बीच साइड पे पहले गए थे पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो थोड़ा सा बस ये कि बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया, पर माओं की एक कहते हैं ना, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब घर को भी संभालना है, बच्चों को और कपड़ों का अच्छा खासा काम इकट्ठा हो गया था। और ये नेक्स्ट डे का खूबसूरत सा व्यू है, अच्छा सनी वेदर है, बड़ा अच्छा मौसम है, शुक्र है ईद पे इस दफ़ा, बिकॉज ये जो वेदर है इस टाइम, जो टर्की का जो ये सीज़न है, इस सीज़न तक सर्दी रहती है। हम लोग स्वेटर्स, अपनी जैकेट्स यूज़ करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा मौसम अच्छा है। मैं बस बच्चों को बेड पे लिटाया, बच्चे सो गए, मुझे शदीद हेडेक और तबीयत डाउन हो रही थी, मैं अपने लिए पेन किलर, आर्टिफिन और ये पेनाडॉल एक्स्ट्रा ले रही थी, थोड़ी सी अपनी तबीयत मेरी रिलैक्स हो जाए, बिकॉज़ यही हफ्ता है, बच्चों की छुट्टियां हैं, फिर मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे एंड अगेन फिर से वही माओं की रूटीन। तो आई वांटेड कि ये जो जितना वेकेशन हॉलीडे टाइम है, इसको जितना इंजॉय कर सकती हूँ मैं कर लूँ। तो थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी, ख़राब हो रही थी, मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। जी व्यूअर्स, बस मैं अपनी आज की अपनी वीडियो यहाँ पर इस पॉइंट पर एंड करती हूँ। इस्तांबुल में रहते हुए अपनी फैमिली के साथ मेरी ईद किस तरह की होती है मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया, जिस तरह बाकी वीडियोस में मैं शेयर करती हूँ। सिंपल सा मेरा एक लाइफस्टाइल है, ईद सिंपल सी थी, बच्चों को पहले दिन हम बाहर ले गए, बच्चों ने हम सब ने बहुत इंजॉय किया। बाकी डेज़ मैं घर पर ही होंगी, बिकॉज ये स्कूल की छुट्टियाँ हैं, मंडे से फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा रिलैक्स करूँगी, बिकॉज रमज़ान काफ़ी थकन हो जाती है, नींद का साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, तो बस घर पे रहेंगे। मेरे कंपाउंड में जो पार्क है वहाँ बच्चों को बाहर ले जाऊँगी कुछ खेलने के लिए, और बस बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हैं, और मैं ये अपना ब्लैकलिस्ट का सीज़न 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, टर्की में ये रमज़ान के लास्ट डेज में सीज़न 10 आ गया था नेटफ्लिक्स पे, न्यू सीज़न, और मैंने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया। मैं ये स्टार्ट करूँगी, ये मेरा मी टाइम होगा और इन्जॉय करूँगी अपनी वेकेशन। ये बस मेरी तरफ लाइफ अपडेट थी, आप लोगों ने मेरे साथ मेरी आज की वीडियो इन्जॉय की हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप।
डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज. Thank you.